तो दोस्तों कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरी तो हालत ख़राब है भाई, तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह से 3 बज गए हैं, ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई बिल्कुल मन नहीं था। तबीयत बहुत ख़राब है, सिर में दर्द हो रखा है, जुकाम हो रखा है और फीवर भी है, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने के लिए। लेकिन भाई ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा और हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 बज गए हैं, पता नहीं जल्दी बनाना होगा ब्लॉग। गाइस मैं जा रहा हूँ चिड़ियाघर, पहले भी हम घूम चुके हैं जू में, लेकिन इस बार फिर से जा रहे हैं जू घूमने, आपके लिए ब्लॉग बनाना है। तो चलो डायरेक्ट जू में जाके मिलते हैं। सो गाइस हमसे एक भाई मिलने आ रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं फिर चलते हैं जू। अभी वो आए नहीं है, मतलब रास्ते में आ रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं फिर जू चलते हैं। हम भी निकल रहे हैं, वो भी उधर से आ जाएंगे तो रास्ते में मिल लेंगे और हम भी जू निकल जाएंगे। शाम हो रही है, देर हो रही है हमारे लिए, तो चलिए उनसे मिलते हैं फिर जू चलते हैं। तो गाइस ये भाई हमसे मिलने आए थे बहुत दूर से। कहाँ से आए भाई? भिंड से आया था भाई। ये भिंड से आए, भिंड से भी गांव उनका बहुत दूर है, 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। नाम बता दी भाई अपना? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। गाइस ये बहुत दूर से मिलने आए थे, मतलब कुछ काम से आए थे, फिर इन्होंने सोचा कि भाई से ही मिलने चलते हैं और हम भी जू आ रहे थे तो भाई ये यहीं पर मिल गए, तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के। मतलब लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है। तो गाइस ऐसे ही मिलते रहिए, बस आपका सपोर्ट है तो हम है, वरना भाई हम भी कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, भाई बहुत अच्छे हैं दिल के भी, तो चलते हैं गाइस आगे। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, भाई बहुत दूर से आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई, ऐसे ही मिलते रहना फिर भी फ्यूचर में, ठीक है भाई। सो गाइस अभी हम खड़े हैं जू के बाहर। भाई जू तो बंद है कसम से, हमारा पोपट हो चुका है गाइस, ये देख सकते हो पीछे शेर, भाई नकली शेर ही देख लो, असली तो दिखा नहीं पाए। गाइस ये ना जू आज बंद है, पता नहीं क्यों, शायद शुक्रवार है इसीलिए बंद है, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है क्यों बंद है। देख सकते हो आप पूरा जू बंद है भाई, यहाँ पे बॉबी वगैरह खड़े हुए हैं, ये जू पूरा का पूरा बंद है गाइस, कुछ नहीं है भाई कुछ भी। सो गाइस सामने कुछ है उसे दिखाते हैं आपको, वही देख लीजिए फिर तो घर चलेंगे, घर चल के मस्ती करते हैं और क्या, कुछ है नहीं भाई, जू तो बंद है, फिर कभी आएंगे जू में, सामने जो वो दिखा देते हैं, चलिए। सो गाइस जू तो बंद था लेकिन हमें कोई बढ़िया सी जगह मिल गई, सच में बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि हमने सिनेमेटिक शॉट निकाल लिए, तो वो शॉट आप चेक कीजिए फिर आइए, पहले शॉट चेक कीजिए जाके। सो गाइस हम घर आ चुके हैं, मतलब घर तो बहुत पहले के आ गए थे, अभी रात हो रखी है कसम से, हम जू से भैया है बहुत थक गए, तबीयत ख़राब है मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है, ये संसु भाई चिल्ला रहा है पीछे। फिर गाइस हम मार्केट गए थे, मार्केट में बल्ब लेने गए थे गाइस, घर में भाई लाइट सही नहीं थी तो हम बल्ब लेके आए ये दो, और भाई अब देखो सही क्वालिटी आ रही, रात में भी वैसे सही नहीं आती थी, आप डेली देखते होगे, मतलब मैं जब भी दिखाया होगा। और ये संसु खेल रहा है यहाँ पे, प्रियल है, ओए वो भी कर रहा है भाई, शीशा साफ क्लीन कर दिया उसने। हाँ हाँ ये नब्या भाई, ये देखो इसका मुंह सही हो गया भाई एकदम साफ। ये मेरा कैमरा है गाइस, कैमरा। गाइस टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं और भाई मैं अभी तक व्लॉग कर रहा हूँ, एडिटिंग भी करनी है फिर अपलोड भी करना है कसम से, और भाई तबीयत ख़राब हो रखी है, पता नहीं कैसे क्या करूँगा मैं, तो पता नहीं कैसा व्लॉग बना होगा गाइस, मैंने आज कुछ दिखाया बिखाया नहीं ज़्यादा। फिर भी गाइस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले मज़ेदार ब्लॉग में, मैं देखूंगा शायद दिवाली पे घर पे जाऊंगा तो घर के वीडियो बनाऊंगा और मम्मी पापा से भी मिला दूंगा आपको, लेकिन अभी भाई कसम से
संसू बोला पता नहीं क्या। तो गाइस अभी तबीयत खराब रखी कसम से, और भाई ब्लॉग नहीं किया जा रहा, कैमरा भी हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा। मैं अब ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। इसकी सुन लो पहले। हाँ बोल 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 क्या क्या। सो गाइस मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ और बाद में मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस तबीयत खराब कदम से बना, मैं अच्छा ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करता, मतलब मैंने कोशिश तो गाइस पूरी की है, बट पता नहीं कैसा बना होगा। मुझे एडिटिंग करनी है अब इस ब्लॉग की, और एडिटिंग करने के बाद फिर अपलोड भी करना। रात के 1 बज जाने गाइस, मुझे पक्का पता है 1-2 बज ही जाएंगे। 1-2 बजे मैं सोऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, फिर पब्लिश वगैरह करके आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।